हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल दीपा कंप्लीट नर्सिंग क्लासेस आज का हमारा टॉपिक है डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी आज हम डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में पढ़ेंगे यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए एंड मेरे एंड शेयर कीजिए और मेरे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तो आइए हम देखते हैं डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी में वी डायग्नोस्ड बाई दी वूमन हर सेल्फ इवन बिफोर सी हैज़ मिस अ पीरियड बिकॉज सी फील डिफरेंट जो डायग्नोसिस ऑफ प्रेग्नेंसी रहता है वो कैसे होता है जब वुमन जो रहती है उसके पीरियड मिस होते हैं जिसके कारण उसे जो डिफरेंट फीलिंग्स आती है वही डायग्नोसिस ऑफ प्रेग्नेंसी कहलाती है अब इसे हम थ्री पार्ट में डिवाइड करते हैं तो आइए हम वो देख अब जो डायग्नोसिस ऑफ प्रेग्नेंसी है उसके जो साइंस रहते हैं मतलब जो प्रेगनेंसी में पूरे में जो साइंस आते हैं उसको भी थ्री फार्ट में डिवाइड किया गया है जो फर्स्ट है वो होता है प्रिसमटिव साइन सेकेंड होता है प्रोवेबल साइन एंड थर्ड होता है पॉजिटिव साइन अब इसको भी अलग अलग से डिफाइन किया जाता है जो हम आगे पढ़ेंगे तो आइए हम पहले देखते हैं प्रीसमटि साइन अब जो फर्स्ट हम आ रहा है प्री समटिव साइन उसमें क्या होता है जो प्री प्रिस साइन ऑफ प्रेगनेंसी मैटरनल फिजियोलॉजिकल चेंजेस विस दी वुमन एक्सपीरियंस जब प्रेगन किसी भी पे पेशेंट को प्रेगनेंसी कंसीव या प्रेगनेंसी रहती है तो उसमें क्या होता है उसकी बॉडी में बहुत सारे फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं तो जब फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं मतलब उसकी बॉडी में जो चेंजेस होते हैं वो ओनली कौन एक्सपीरियंस कर रहा है वुमन यदि वुमन अकेली ही उसको एक्सपीरियंस कर रही है तो वो जो साइन कहलाते हैं वो कहलाते हैं प्री समटिंग साइन इसे याद रखिएगा इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन एम्स और इसी में भी पूछे गए हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो प्रिसमटिव साइन होते हैं वो किसे कहते हैं जब मैटरनल फिजियोलॉजिकल जो चेंजेस हो रहे हैं प्रेगनेंसी में और यदि वो बस वुमन को ही एक्सपीरियंस हो रहे हैं तो वो साइन क्या कहलाएंगे प्रिसमटिव साइन तो हमारा फर्स्ट साइन है एम एनोरिया एट फोर वीक्स एम एनोरिया किसे कहते हैं जब सजेशन ऑफ एम सी पीरियड का हो जाता है दैट इज कॉल्ड एम एनोरिया सेकेंड है नोजिया एंड वामिटिंग जो प्री समटिन साइन होते हैं उसमें वुमन जो रहती है उसको नोजिया और वामिटिंग फील होती है ये भी जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस है ये फीमेल खुद ही फील करती है थर्ड वन है फैटी जो वुमन रहेगी उसको बहुत ज़्यादा थकान फील होगी लास्ट डी ऑप्शन डी है कलर चेंजेस ऑफ द ब्रेस्ट ई एक्साइज सलाइवेशन जो भी प्री, प्री सनटिव साइन रहेंगे उसमें जो वुमन रहेगी उसको बहुत ज़्यादा सलाइवेशन होने लगेगा एफ है क्विकनिंग क्विकनिंग में क्या होता है जब जो भी प्रेग्नेंट लेडी रहती है उसको फर्स्ट टाइम जो फिटल रहता है उसका मूवमेंट फील होता है और यह होता है एटी अठारह से बीस वीक में फर्स्ट टाइम फील होता है दैट इज़ कॉल्ड क्विकनिंग ये भी एक प्रिसमडिन साइन है फिर जी है स्किन पिगमेंटेशन स्किन में पिगमेंटेशन होते हैं जैसे कि कोलाजमा देखने को मिल सकता है सेकेंड है प्रोवेबल साइन प्रोवेबल साइन ऑफ प्रेगनेंसी आर मैटरनल फिजियोलॉजिकल चेंजेस विच आर डिटेक्टेड अपॉन एग्जामिनेशन एंड डॉक्यूमेंटेड बाय द एग्जामिनर इसमें क्या हो रहा है इस प्रेगनेंसी में मैटरनल फिजियोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं बट ये इन्हें कौन डिटेक्ट कर रहा है एग्जामिनेशन में डिटेक्ट हो रहे हैं और वो डॉक्यूमेंटेड भी हो रहे हैं एग्जामिनर के द्वारा जो हमने फर्स्ट पढ़ा था प्री सेम्टाइन उसमें मैटरनल फिजियोलॉजिकल चेंजेस ही थे बट वो ओनली मदर जो प्रेग्नेंट लेडी है वही फील कर पा रही थी वो कहला रहे थे प्री सेम्टनसाइन बट इसमें क्या हो रहा है जो प्रोवेबल साइन है उसमें मैटरनल के जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं वो एग्ज़ामिनर द्वारा भी एग्जामिनेशन के टाइम पर डॉक्टर सेकेंड है, है हमारा प्रोवेबल साइन प्रोवेबल साइन में हमने पढ़ा था कि जो प्रोवेबल साइन हो उसमें जो भी मैटरनल फिजियोलॉजिकल चेंजेस होंगे वो मदर के अलावा जो एग्जामिनर है जो एग्जामिनेशन कर रहा है वो भी डिटेक्ट कर सकता है तो इसका फर्स्ट है हमारा इनलाजमेंट ऑफ द यूट्रस अब जो यूट्रस का इनार्जमेंट है वो एग्जामिनेशन के द्वारा भी डिटेक्ट किया जा सकता है इसलिए कौन सा साइन हो जाएगा प्रोवेबल साइन सेकेंड है प्रेजेंस ऑफ एससीजी हारमोन एससीजी हारमोन का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन कोरोनिक ये एक हार्मोन होता है जब कोई भी एक लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उसमें एक एससीजी हार्मोन रिलीज होता है ये हार्मोन ब्लड में हमें फोर टू ट्वेल्व वीक्स में डिटेक्ट हो जाएगा और यदि यूरिन टेस्ट करते हैं और उसमें एस सी देखा जाता है तो वो होता है सिक्स टू ट्वेल्व वीक्स में जो डिफाइन करेगा पॉजिटिव प्रेगनेंसी को ठीक है थर्ड है चैडविक साइन चैडविक साइन जो रहता है उसे जैकमियर साइन भी कहा जाता है में क्या होता है जेगमेयर साइन में साइन को चैडविक साइन भी कहा जाता है और इसमें होता है ब्लू डिस्कलरेशन ऑफ बल्वा एंड वेजाइनल न्यूकोसा ठीक है फोर्थ है ऑसेंडर साइन सेंड। ऑसेंडियर साइन का मतलब होता है और इन दी लेटर ये कब फील होता है एट टू ट्वेल्थ वीक्स में लास्ट है हमारा गुडेल साइन फिफ्थ वन है गुडेल साइन इसमें क्या होता है सॉफ्टनिंग ऑफ द सर्विक्स ये हमारे हुए हैं प्रोबेबल साइन अब हम देखेंगे पॉजिटिव साइन थर्ड है हमारा पॉजिटिव साइन अब पॉजिटिव साइन क्या होता है पॉजिटिव साइन आर दोस डायरेक्टली फिटेस्ट एज डिटेक्टेड एंड डॉक्यूमेंटेड बाय द एग्जामिनर पॉजिटिव साइन में हम डायरेक्टली फीटस को ही डिटेक्ट करते हैं और वो एग्ज़ामिनर जो रहता है उसी को डॉक्यूमेंटेड कहलाता है करता है दैट इज़ कॉल्ड पॉजिटिव साइन इसमें क्या होता है जो भी हम देख रहे हैं वो फीटस से रिलेटेड ही रहेगा जैसे फर्स्ट हो जाएगा विजुलाइजेशन ऑफ फीटस बाय यू हम सोनोग्राफी में जो अल्ट्रासाउंड होता है उसमें विजुअलाइजेशन कर लेंगे फीटस को ये कौन से वीक्स में हो जाता है सिक्स वीक्स में सेकेंड है विजुलाइजेशन ऑफ फीटस स्केलेटन बाय एक्सरे ये हम 16th वीक में डिटेक्ट कर सकते हैं जो सोनोग्राफी है यूएसजी होता है उसमें फीटस का विजुलाइजेशन सिक्स वीक में हो जाता है बट यदि फीटस फीटस स्केलेटन का हाँ यदि हम एक्सरे द्वारा विजुलाइजेशन कर रहे हैं तो वो 16 वीक्स में हमें डिटेक्ट होता है थर्ड है एफ एच एस वाई यू एस जी एंड फीटोस्कोप एफ एच एस का फुल फॉर्म होता है फीटर हार्ट साउंड अब जो ये फीटल हार्ट साउंड रहता है ये हमें अल्ट्रा यू एस जी द्वारा भी सुनाई दिया जाएगा और फीटो स्कोप के द्वारा बट जब हम यू एस जी के थ्रू हम फीटर हार्ट साउंड सुनते हैं तो वो हमें सिक्स वीक में सुनाई देता है ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है और जब फीटोस्कोप के द्वारा फीटल हार्ट साउंड को डिटेक्ट किया जाता है तो वो ट्वेंटी वीक में डिटेक्ट होता है डी है पालपेबल फीटल मूवमेंट जो फीटल के मूवमेंट रहते हैं वो पालपेबल किए जा सकते हैं ये ट्वेंटी टू वीक में किए जाते हैं एंड लास्ट है विजिबल फीटल मूवमेंट ये कब होता है ये लेट प्रेगनेंसी में होता है तो इस प्रकार हमने देखे हैं डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी तीन इसमें हैं साइन देखे हैं हमने फर्स्ट देखा था प्रीसमटिव जो मदर के द्वारा ही फील किए जाएंगे सेकेंड है प्रोवेबल जो एग्जामिनर के द्वारा एग्जामिनेशन किए जा सकते हैं और थर्ड है फीटस साइन पॉजिटिव साइन जिसमें हम फीटस को डिटेक्ट करते हैं और डॉक्यूमेंटेड करते हैं